महाभारत के भीषण युद्ध से सिर्फ कौरवों और पांडवों के ही नहीं अपितु संसार के कई वंश उजड़ गए। कौरवों का संपूर्ण वंश ही समाप्त हो गया तो वहीं पांडवों के भी सभी पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मौत के घाट उतार दिया था। किंतु इन सब के अलावा भी एक वंश था जो महाभारत के युद्ध से तो नहीं परंतु उसके बाद कई कारणों से खत्म हो गया। वह वंश था स्वयं परम ब्रह्मा श्री कृष्ण और बलराम जी का यदुवंश। लेकिन यह हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस महान वंश के विनाश की गाथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को गद्दी पर बिठाया जा रहा था। उसी समय वहां पर अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का विलाप करते हुए माता गांधारी पहुंची। वहां पहुंचकर अपने क्रोध के कारण उन्होंने सभी को कटु शब्द कहे और अंत में श्री कृष्ण को उस महाभारत का कारण बताकर क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, यदि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, किंतु इतनी शक्ति होते भी उन्होंने इस युद्ध को होने दिया। फिर अपने पुत्रों को याद करते हुए उनका क्रोध और बढ़ने लगा और उन्होंने आगे कहा, सुनो देवकी नंदन, इस आर्यव्रत से उठती रुदन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय में दुख के तांडव को देखो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे बड़ा अधर्म तुमने किया है और वास्तव में तुम इस दंड के अधिकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे। जिस प्रकार मेरा नगर दुख के सागर में डूबा है उसी प्रकार तुम्हारी भी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और तुम किसी वन में अकेले निहत्थे किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। यादव वंश के विनाश का कारण गांधारी का श्राप था। मन से क्रोध कम होते ही माता गांधारी को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वे रुदन करती हुई कृष्ण भगवान से क्षमा मांगने लगी। किंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें कंठ से लगाकर सहानुभूति दी और कहा कि अवश्य ही आपका ये श्राप पूर्ण होगा और जब यादवों का अंत आएगा तब मैं ही सबसे पहले प्रहार करूंगा। यादवों का नाश अनिवार्य है क्योंकि वे भी धर्म भूलकर मद और शक्ति के अहंकार में डूब गए हैं। यदि वे युद्ध में भाग लेते तो भी उनका अंत ही होता। माता आप अपने आप को दोष ना दें क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। मैंने जीवन भर माताओं का आशीर्वाद लिया है, इसलिए आज मैं माता का दिया हुआ ये श्राप भी स्वीकार करता हूँ। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में भोज वृष्णि अंधक आदि यादव राजकुमार असीम सुख भोग रहे थे। अधिक भोग विलास के कारण उनका संयम और शील जाता रहा। इन्हीं दिनों कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारका पधारे। कृष्ण का पुत्र सांब अत्यंत चंचल स्वभाव का था। अपनी मस्ती में मस्त सांब और अन्य यादवगण
उन महात्माओं का मजाक उड़ाने के लिए उनके पास आए। सांब स्त्री की वेशभूषा में था और अपने पेट में एक मूसल छुपा के गर्भवती होने का नाटक कर रहा था। उसने ऋषियों से पूछा कि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो ये बताइए कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री। सांब और अन्य यादवों की इस झूठ से ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इस स्त्री को एक ऐसा मूसल होगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। यह श्राप सुनकर यादवगण चौंक गए। समय आने पर ऋषियों के कहे अनुसार स्त्री वेशधारी सांप के एक मूसल पैदा हुआ। इस पर यादवों की घबराहट और बढ़ गई। आखिर सभी ने मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। यादवगण यह सब करने के बाद निश्चिंत हो गए। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हुई। कई दिनों तक सभी यादव शराब के नशे में समुद्र तट की सैर करते और मदिरा पीकर नाचते गाते। एक बार दो यादवों कृतवर्मा और सत्याकी शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। महाभारत के युद्ध के समय यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सात्यकी पांडवों के पक्ष में। दोनों की बहस के बाद भयंकर झगड़ा हो गया। आपस में मारकाट होने लगी। इस बीच सत्याकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का सिर शरीर से अलग कर दिया। इससे कृतवर्मा के पक्ष वाले क्रोधित हो गए और उन्होंने सात्यकी पर हमला कर दिया और सात्यकी भी मारा गया। सात्यकी की मृत्यु से कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र के किनारे उस मूसल की राख से उगी घास का एक तिनका तोड़ा और ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वो एक मूसल बन गया। उन्हें देखकर अन्य लोगों ने भी एक एक करके उस घास के तिनके को तोड़ने शुरू कर दिया और इस तरह सभी आपस में मूसल से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते वहां रक्त की धाराएं बहने लगी और समूल यादव वंश का विनाश हो गया। अंत में वहां केवल कृष्ण और बलराम जीवित बचे। इतना रक्तपात देखकर शेषनाग के अवतार बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और बैकुंठ धाम को चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण जीवन में चले गए और घूमते घूमते वे एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गए। तभी वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था। यह बहेलिया पूर्व जन्म में वानर राज बलि था, जिसे श्री राम ने वरदान दिया था कि क्योंकि मैंने तुम्हें छल से तीर मारा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम भी छल पूर्वक मुझे मृत्यु प्रदान करोगे। बहेलिया ने दूर से देखा तो उसे कृष्ण जी के पैरों के तलवे हिरण के मुंह जैसे दिखाई दिए और उसने श्री कृष्ण जी के पैर को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर छोड़ा। तीर लगते ही रक्त की एक धारा फूट पड़ी। जब बहेलिया कृष्ण जी के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि उसने गलती से श्री कृष्ण पर तीर छोड़ दिया है, तो वह बार बार कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगा। कृष्ण जी ने उससे कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, तुमने बस अपना कर्म किया है और अपने पूर्व जन्म के वरदान को सार्थक किया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और
बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सभी प्रियजनों को अंतिम विदा और अंतिम निवेदन है कि वे सभी द्वारिका छोड़कर अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं। कृष्ण को इस हाल में छोड़कर जाने का मन ना होते हुए भी उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए दारुक वहां से द्वारिका के लिए निकल गए। उन्हें यह मालूम था कि वह अंतिम बार प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए उसे अब अपना जीवन भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। बस प्रभु का संदेश पहुंचाने के लिए श्वास ले रहे थे। दारुक के जाने के पश्चात उस क्षेत्र में समस्त देवी तथा देवगण आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। कुछ समय में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना प्रियजनों तक पहुंची, तो वे यह दुख सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भी देह में प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, श्री कृष्ण की पटरानियाँ तथा बलराम जी की पत्नियाँ आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। अनगिनत प्रियजनों की मृत्यु देख चुके अर्जुन ने शोकाकुल होकर यदुवंश में पिंडदान और श्राद्ध आदि क्रियाएँ पूर्ण की, और इसके बाद माधव की आज्ञा अनुसार यदुवंश के बचे हुए यादवों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर लौट आए। अर्जुन के वहां से निकलते ही समुद्र में द्वारिका को अपनी लहरों में लपेट लिया, और देखते ही देखते समुद्र में उठी भयानक लहरों ने संपूर्ण द्वारिका को निगल लिया। केवल श्री कृष्ण के भवन को छोड़कर समस्त द्वारिका जलमग्न हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना पाकर द्रौपदी समेत सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे, और इसी तरह गंधारी के श्राप से ही श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंश का नाश हो गया।